हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं फिर एक और रीडिंग लेके आई हूँ पिका कार्ड, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फियांसी हो आपके, तो आपके सामने तीन रिंग्स अवेलेबल हैं। आपने करना क्या है, अपनी आईज क्लोज करनी है और इनमें से एक रिंग चूज़ कर लेनी है, जिस पे आप सबसे पहले ड्रॉन हो रहे हों, उसी में ही आपका आंसर है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इनमें से एक रीडिंग चूज़ कर लें, एक रिंग चूज़ कर लें, तो फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। अगर आपसे गाइस, सबसे पहली बात की एक जर्नल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है या नहीं कर सकती। रेजोनेट कर जाए तो अच्छी बात है, और नहीं करे तो प्लीज़ इसको पूरी तरह से इग्नोर करिएगा। तो आप अपनी रिंग सेलेक्ट करें, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपने करना क्या है, अपनी आइस क्लोज करनी है और इनमें से एक रिंग चूज़ करनी है, जिस पे आप पहले ड्रॉन होते हों। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, हम चलते हैं रिंग नंबर 1 की तरफ, जिन्होंने ये रिंग चूज़ किया। हाय रिंग नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सनस्टोन चूज़ किया है, तो चलते हैं उनकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए आंसर दीजिए, रिंग नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किए कि उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। प्लीज़ जिन्होंने, तो बहुत ज़्यादा आ गया, मुझे दोबारा शफल करना चाहिए, सॉरी गाइस, काफ़ी सारे कार्ड आ गए एक साथ, दोबारा शफल करने पड़ेंगे। जिन्होंने रिंग नंबर 1 सेलेक्ट की है, प्लीज़ उनके पार्टनर का बताएं वो वापस आएंगे या नहीं। भाई बहुत जल्दी है लगता है आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं मेरे। दो कार्ड और दीजिएगा प्लीज़, और बताइएगा उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। दो कार्ड दीजिएगा प्लीज़, और ये बताइएगा उनके पार्टनर वापस आएंगे। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप्स। सब उल्टा कर देते हैं। आपके पार्टनर समझते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। The Hierophant, Justice, Ace of Cups और Ace of Wands। आपके पार्टनर कोई टॉरस, वर्गो, यहाँ पे टॉरस मुझे परमानेंट नज़र आ रहा है, यहाँ मुझे लिब्रा नज़र आ रहा है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, मुझे फायर साइन नज़र आ रहे हैं, एरिस हो सकते हैं, लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर वापस आएंगे नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर, चाहे आप गर्ल हो चाहे बॉय हो, आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि आप मदरिंग है, केयरिंग है, लविंग है। और जो लोग मैरिड हैं, उनके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप एक मैरिड हैं, आपका एक बेबी हो सकता है। और जो नहीं है, उनके पार्टनर ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके पार्टनर आपको एक अच्छी रिच फैमिली से देखते हैं। आपके पार्टनर देखते हैं कि आपका सारा फोकस अपने पेंटिकल्स पे है, आप मदरिंग नेचर की हैं, केयरिंग नेचर की हैं, आपको, यानी कि आपके पास सब कुछ है जिससे लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, यस यस यस, आपके पार्टनर वापस आएंगे। यहाँ पे मुझे दो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, मैं दोनों बताऊँगी, जिससे जो रेजोनेट हो वो कर लीजिएगा अपने पास से। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में जस्टिस लेके आना चाहते हैं। अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया हो, आपको आपकी बात पे तवज्जो न दिए हो, आपको आपसे दूर दूर रहे हो, तो वो आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी अच्छे पोस्ट पर हों, आपके पार्टनर पुलिस में हो सकते हैं, या आपके पार्टनर किसी लॉ से हो सकते हैं। इस तरह से आपके पार्टनर रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो आपसे बेतहाशा प्यार करने लगे हैं, उनका प्यार आपके लिए इस तरह से फ्लो हो रहा है,
आपके पार्टनर आपसे बेताचा प्यार करने लगे हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते में, देखिए दो कार्ड जो आए हैं न्यू बिगनिंग्स के आए हैं, दो कार्ड न्यू बिगनिंग्स के हैं। एस ऑफ वांड, एस ऑफ कप, दो ऐसी हैं आपकी रीडिंग में। सबसे बड़ी बात, बेतहाशा प्यार, बेतहाशा अट्रैक्शन। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, वो चाहते हैं पहले की तरह सारी बार मसले मसाइल हल हो जाएं। और दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और से मैरिड थे, उन्होंने किसी और के ऊपर, किसी और को चुन लिया था आपके ऊपर, तो वो अब आपके पास आना चाहते हैं, वो वहाँ से उनका डाइवोर्स हो रहा है या हो चुका है, डाइवोर्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये सिनेरियो है। वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक स्टेप आगे लिया जाए आपकी तरफ, वो शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आपका कल्चर डिफरेंट हो, मज़हब डिफरेंट हो, वो आपको इस तरह से एक स्पिरिचुअल देखते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मजहबी देखते हैं। आपसे इस रिश्ते में शुरुआत करना चाहते हैं, उनका प्यार आपके लिए फ्लो करने लगा है, वो चाहते हैं कि एक स्टेप आगे लेके जाया जाए आपके साथ। वो आपसे बेसहाशा अट्रैक्टिव भी हैं, और खाली अट्रैक्शन नहीं है, फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, आपसे प्यार भी करते हैं। जितनी फिज़िकल अट्रैक्शन है उतना ही प्यार ही है। तो पाइल नंबर वन के लिए आंसर है जी, आपके पार्टनर वापस आएंगे, वो आपके लिए वो आपको जस्टिस देंगे। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी पता नहीं कैसे वो आपसे दोबारा शादी करना चाहते हैं, अभी आपके ऊपर है आप उनको एक्सेप्ट करें या ना करें। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वी विल बी टुगेदर, जी कन्फर्मेशन मिल गई आपको, वी विल बी टुगेदर। क्या हम दोबारा बात करेंगे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि हम क्या हम दोबारा बात करेंगे। यू आर माई ड्रीम गर्ल, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके ख्वाबों की लड़का या लड़की हो। इट्स डिफ़िकल्ट टू मी, माई हार्ट ओपन अगेन, कहना चाह रहे हैं कुछ मसला है जो उनका दिल दोबारा ओपन करने में कोई मसला है आपके लिए। मुझे आखिरी मौका दोगे, जी देखें जैसे मैंने कहा वो आपसे आखिरी मौका लेना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ इनकी तरफ से अब हम सॉन्ग देख लेते हैं कि आपको क्या सॉन्ग देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आता है खामोशियाँ आवाज़ हैं ये, इन सॉन्ग्स में कोई इनकी तरफ से चैनल मैसेज हो सकता है, आप उसे सुनिएगा। अब तेरे बिन हम नहीं रह सकते, नहीं अब तेरे बिन हम रह नहीं सकते, चन्ना मेरे यहाँ। ये थी पाइल नंबर वन की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय। हाय पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सी गोल्डन कलर की रिंग चूज़ की है, तो ये हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। तो चलते हैं देखते हैं उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, तो चल के देखते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज़ की है, रिंग नंबर टू चूज़ की है, तो देखते हैं उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। प्लीज़ मुझे बताएं जिन्होंने पाइल नंबर रिंग नंबर टू चूज़ की है, उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। प्लीज़ पाँच कार्ड दीजिएगा मुझे, उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, प्लीज़ पाँच कार्ड दीजिएगा। बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, प्लीज़ पाँच कार्ड दीजिएगा, उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। प्लीज़ फाइल नंबर टू के लिए कार्ड दीजिएगा, उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। प्लीज़ एक कार्ड और स्ट्रेट, एक कार्ड और दीजिएगा, एक कार्ड और दीजिएगा, उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ,
आपकी रीडिंग की तरफ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, डेथ स्कॉर्पियो, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, टू ऑफ कप्स, और ये है फाइव ऑफ वांड्स। आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, आपके पार्टनर कोई फायर साइन हो सकते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया हो, उनकी लाइफ में कोई और हो। ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में कोई और थे जो जानते हैं परमानेंटली। ये आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको इग्नोर किया हो, उन्होंने आपको इतना नहीं अटेंशन दी हो जितनी आप चाहते थे या आप डिज़र्व करते थे। आप लोगों के बीच में पेनफुल एंडिंग हुई है, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। आपके पार्टनर इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन में गुजरते हैं। आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। आपके पार्टनर रिश्ते में शुरुआत चाहते हैं, दैट का मतलब न्यू बिगिनिंग्स होता है। एक रिश्ता साइकिल ख़त्म होकर दूसरी साइकिल शुरू करना होता है। आपके पार्टनर रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी मसले मसाए हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। अभी आपके पार्टनर डिटेच हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाए हुए हैं। इवन तो वो बात करना चाहते हैं आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाए हुए हैं। जैसा आप उनके लिए फ़ील करती हैं वैसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। वो उतना ही आपसे प्यार करते हैं जितना आप उनसे फ़ील करती हैं। वो आपको अपना सोलमेट देखते हैं। हो सकता है आपके लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है आप लोगों का, आप लोगों की आपस में जो है लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है आप लोगों की। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हों, वो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, आप उनको अपना कप ऑफर करना चाहती। जैसा आप इनके बारे में फ़ील करती हैं वैसा वो भी आपके लिए वैसा ही फ़ील करते हैं आपके लिए। वो अभी आपको कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर लॉ में हों। आप लोगों के बीच में आपके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो झगड़ रहे हैं आपस में, एक नहीं होने दे रहे हैं आप लोगों को। उन्होंने अपने आप को जिससे स्ट्रेंथ आपके बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ आया है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो वापस तो आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और इस रिश्ते में हो सकता है कोई और भी इन्वॉल्व हो। देखिए दो कार्ड जो हैं ये मुझे बता रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हों या डिवोर्स से गुजर रहे हों आपके पार्टनर। दोनों पाई वन में भी यही था, पाई नंबर टू में भी यही आया है, और रिंग नंबर वन में जिन्होंने चूज़ की थी उसमें भी यही आया है, रिंग नंबर टू में भी यही आया है। अगर आप लोग रिंग नंबर वन से ड्रॉन हुए हों और आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो जाके रिंग नंबर वन भी देखिएगा, उससे मिलती हुई रीडिंग आई है ये बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जैसा आप इनके बारे में फ़ील करते हैं वैसा ही ये आपके बारे में फ़ील करते हैं। ये आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये चाहते हैं जो पुरानी लड़ाई झगड़े आपके बीच में हो ये ख़त्म हो जाए, इस रिश्ते में न्यू शुरुआत हो और आपको वो अपना लव कन्फेस कर सकें। तो चलिए इनकी तरफ से हम कुछ मैसेज देखते हैं, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ फाइल नंबर चूँकि मैसेज दीजिए, मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं। फैमिली इशू, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के रिश्ते में फैमिली इशू है। देखें मिलता हुआ आ गया, हो सकता है मैरिड हो आपके पार्टनर, किसी डिवोर्स से गुजर रहे हो। आई लव यू 3000, जैसा आप उनके लिए फील करती हैं वैसा वो आपके लिए फील करते हैं। आई नीड सम टाइम, जैसे मैंने कहा आई नीड सम टाइम लिखा है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। देखें सारे कार्ड्स जो हैं मैसेजेस जो हैं कार्ड से मिलते हुए हैं, तो यकीनन ये आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, आपको ऑफर देंगे और अभी आपसे डिटेच हैं। शायद ये अपने सारे मसलों को सॉल्व करके आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं। तो चलिए कुछ सॉन्ग्स भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या सॉन्ग्स देना चाहते हैं आपको। एक और निकालूंगी मैं, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तुम्हारे सिवाना चाहत करेंगे, दिल दिया गल्ला करेंगे नाल जी। ये थी पाइल नंबर टू की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाइस मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, अगर आप लोगों से ज़रा सी भी रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे किसने पर्सनल रीडिंग रेजोनेट की है और आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय। हाय पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सी रिंग रेड रिंग चूज़ करी है, चलते हैं उनकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में।
तो चलिए प्लीज़ फिर मुझे बताएं जिन्होंने ये रिंग चूज़ की है उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। काफ़ी स्टक्स एनर्जी फील हो रही है, कार्ड काफ़ी स्टक्स नज़र आ रहे हैं। गाइज ये एक जर्नल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर सकती है या नहीं रेजोनेट कर सकती। अगर रेजोनेट कर जाए तो अच्छी बात है, और ना रेजोनेट करे तो इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। यहाँ पे सबकी एनर्जी टैपिंग करती है ये रीडिंग। प्लीज़ फाइल नंबर और रिंग नंबर 3 के बारे में बताएं जिनके पर्सन वापस आएंगे या नहीं। प्लीज़ रिंग नंबर 3 के बारे में बताएं उनके पर्सन वापस आएंगे या नहीं। प्लीज़ रिंग नंबर 3 के बारे में बताएं उनके पर्सन वापस आएंगे या नहीं। पहले के राउंड कितने कार्ड हो गए आपके? बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, आपके पार्टनर बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, प्यार इतना ही करते हैं जितना आप प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, आपके पार्टनर ल्यू हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं। पास्ट में आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी भी आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। पास्ट में आपके पार्टनर के और आपके बीच में पेनफुल एंडिंग हुई थी, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, वो समझते हैं आपने धोखा दिया था, आप समझते हैं उन्होंने धोखा दिया था, वो समझते हैं कि आप उनको इस हालत में देख रहे हैं, जैसे इस तस्वीर में, इस पिक्चर में किस तरह दो लोग बीमार हैं, चला नहीं जा रहा है उनसे, बिल्कुल सेम इसी हालत में आप छोड़ के चले गए हैं। आपके पार्टनर ये समझते हैं, आपके पार्टनर समझते हैं इस रिश्ते में पेनफुल एंडिंग हुई है, वो इस रिश्ते से मतलब बैक स्टेप किया है आपके पार्टनर ने आपको पहले या आपने उनको। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टेप किया, आपको धोखा दिया, आपको उस तरह से नहीं लिया, आपको घोस्ट करके चले गए। शायद आपके पार्टनर काफ़ी अग्रेसिव भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ से इन और आउट भी होते रहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे चार्मिंग भी नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, उनकी आइज़ प्यारी हो सकती हैं, उनके लिप्स, नोज़, उनका रंग बहुत गोरा हो सकता है, उनके बाल अच्छे हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर हो सकता है, आपके पार्टनर जो लोग जिनके पार्टनर मैरिड हैं उनका एक बेबी हो सकता है, बेबी बॉय हो सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, आप अपनी वो आपके पास रश करके आना चाहते हैं, वो इस लड़ाई झगड़े को सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जब वापस आए आपकी और उनकी काफ़ी बहस और मुबहसा हो जाए, लेकिन आखिर में खुशियां आपका मुकद्दर हैं, खुशियां तो आपको ही मिलनी हैं। यस, आपके अगर मैं शॉर्ट में जवाब दूँ, आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं और बहुत जल्दी वापस आना चाहते हैं, दौड़ते हुए वो आना चाहते हैं, सारे मसले को हल करना चाहते हैं, वो जो धोखेबाजी के का जो वह एक वो है उनके दिल में वो निकलना चाहते हैं। देख रहे हैं इस तस्वीर में कैसा ये इंसान मिस्टर स्नीकी लग रहा है मुझे आपके पार्टनर। ये आपको सोशल मीडिया स्टॉक भी करते हैं, ये इन्होंने नज़र रखी हुई है आपके ऊपर, ये कुछ करके गए हैं, ये पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं आपको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया या, और ये अपने किए पे शर्मिंदा भी हैं। इनका आपकी और इनकी बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, वो इससे हील होकर आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आके आपके मसले का हल निकालें, वो इस तरह दौड़ते हुए आना चाहते हैं, और जब आएंगे सारी जो इनकी आपके बीच में जो ऑब्स्टिकल हैं इसको चॉप करके आपके पास वापस आएंगे, वो आपसे शादी भी करेंगे। सन कार्ड का मतलब जिस रीडिंग में सन आ जाए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर से सन आया नाइट ऑफ सोर्ड के साथ और बेतहाशा जल्दी वापस आएंगे आपके पार्टनर, वो हील होके बहुत जल्दी वापस आएंगे। आप वो समझते हैं कि आप उनको लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ के, ठंड में छोड़ के चले गए, उनका एहसास नहीं किया। हो सकता है ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, वो पीछे मुड़ मुड़ के आपको देखते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कितने लोग हैं, किन से मिल रही हैं, किन से नहीं मिल रही हैं। आपके घर के इर्द गिर्द भी ये शख्स घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, आपकी खबर रखता है, ये बहुत जल्द वापस आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। गाइस मैं जल्दी जल्दी रीडिंग कर रही हूँ। आई लव यू 3000, जैसे मैंने कहा कि ये शख्स आपसे शादी भी करेगा, आपसे प्यार भी करता है। फैमिली इशू हो सकते हैं आपके और इनके बीच में,
आई एम सो इन लव विद यू। दो दो कार्ड आ गए हैं प्यार के और मैसेज आ गए, आई नीड सम स्पेस। इनको कुछ टाइम लगेगा वापस आने में, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। चलिए एक मैसेज और निकाल लेती हूँ इनके लिए कंफर्मेशन के लिए। क्या हम दोबारा बात करेंगे, आपके पार्टनर पूछ रहे हैं। जी बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं, वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी मसले मसाइल हैं सब हल हो जाएं। तो चलिए इनकी तरफ से कुछ सॉन्ग्स देख लेते हैं। खामोशियाँ आवाज़ हैं, सानू एक पल चैन ना आवे। जैसे मैंने कहा इनकी नज़रें आप पे हैं, ये बेचैन है, इनको समझ नहीं आता कि ये किस तरह से आपको अप्रोच करें। दिल दिया गल्ला करेंगे नाल नाल। अब देखते हैं एक और निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि दो यहाँ से पाए ए मेरे हम सफ़र। ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आई होप आपसे रेजोनेट की हो, अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली रीडिंग में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। बाय।